स्वीट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ डीप यू हेयर कट। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अपने चैनल पे हेयर कट बताते रहती हूँ, जैसे कि यू कट के भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके बताऊँगी, हर कट के अलग अलग तरीकों से बताती हूँ। जो भी आपको ईजी लगे आप उस तरीके से सीख सकते हो और ट्राई कर सकते हो। और ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में बहुत सारी चीज़ें बताते रहती हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा और अच्छे से ट्राई जरूर कीजिएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और लगातार हेयर कट की वीडियो मैं कम से कम 10 दिन से लगातार डाल रही हूँ, तो प्लीज़ वो चेक कर लीजिएगा सारे और शेयर कर दीजिएगा। वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस। तो इस तरीके का हेयर है, देख सकते हैं आप इनका, इनका हेयर कट करना है डीप यू में। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छे हेयर थे, मतलब स्ट्रेट स्ट्रेट थे पूरे, वॉल्यूम थोड़ा सा मतलब मीडियम वॉल्यूम भी था, वॉल्यूम भी बहुत कम नहीं था, बहुत अच्छा था। तो सबसे पहले मैंने इनको कटिंग सीट लगा दी और बालों को गीला कर लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मैं अपने अपने चैनल पर आप लोग को कटिंग बताते रहती हूँ। जैसे अब यू कट है तो यू कट का ही 2-3-4-5 तरीके बताऊँगी अलग अलग तरीके से, आपको जो समझ में आए जो ईजी लगे आप उस तरीके से सीख के कट कर सकते हो। तो इनका कैसे कट करने वाली वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने बालों को अच्छे से भिगो के कॉम करके अच्छे से सुलझाना है। डीप बहुत अच्छा लगेगा, अगर क्लचर लगाएंगे ना तो बहुत सही लगेगा। तो ये इनके बाल लगभग सुलझ चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इतनी लेंथ निकालूंगी। पहले आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है बालों की। ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे बालों की, अच्छे से सुलझाने के बाद से मिडिल मतलब बीच की मांग निकाल लेनी है, मिडिल पार्टिंग कर लेनी है बालों की। उसके बाद से ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे इस तरीके से, ओके। और जो हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग किया उसको आगे की तरफ बालों को रख देंगे और बैक साइड से कटिंग स्टार्ट करेंगे, फिर अच्छे से कॉम करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से कॉम कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से कुछ हल्का यू शेप में कट करेंगे और इसके बाद से इसको डीप यू कर देंगे, ओके। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब जो हमने फ्रंट में हेयर को रखा था उसको बैक साइड में ले आएंगे, थोड़ा सा मतलब राउंड और कर देते हैं हेयर में, ओके। ये तो लाइट यू हो गया, इस तरीके से आप लाइट यू भी कर सकते हो। और फिर उस साइड के आगे के हेयर को बैक की साइड में लाएंगे तो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था फ्रंट के हेयर में इनके, तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है और इसको डीप यू कर सकते हैं। तो देखिए इस साइड से हमारा पूरा डीप हो गया है। अब सेकंड साइड से फ्रंट वाले हेयर को बैक साइड में लेके आएंगे और फिर कट करेंगे। देखिए कितना प्यारा सा कट हुआ है। तो बहुत ईजी तरीके मैं अपने चैनल पर बताती हूँ हेयर कट के। तो दूसरी साइड भी कट करने के लिए पहले आप इधर का जो आपका गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ही वहीं से सेम गाइडलाइन लेके इस तरीके से कट करोगे। जितने एक्स्ट्रा हेयर हों सबको कट कर दोगे, ऐसा मत सोचिए कि ज़्यादा हेयर निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अच्छा सा राउंड देने के लिए उतने हेयर कट करना ज़रूरी है, ओके। तो ये लगभग कट हो गया, आप एक बार मतलब अच्छे से कॉम करके चेक कर लीजिए, फिर इसको क्लच लगाने के बाद से कैसा लुक आएगा वो भी मैं दिखा दूँगी अभी आपको। तो ये कट हो गया, आप इस तरीके से क्लच लगाओगे तो भी प्यारा लगेगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और क्लच लगा सकते हो, ओपन भी रख सकते हो, कोनी बना सकते हो, हर स्टाइल में अच्छा लगेगा इस तरीके से अगर आप कट करते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको जिस तरीके से रखना है आप इस तरीके से रख सकते हो। मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कटिंग बताते रहती हूँ और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और प्लीज़ गाइस सपोर्टिंग में ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। और प्लीज़ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, चेक कर जरूर कीजिए। आप लोगों को अच्छे से कटिंग समझ में आ गई होगी, हेयर कट और अच्छे से कटिंग समझ में आ गई हो, थोड़ा सा भी समझ में आया, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।